जोधपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को नामांकन दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मौजूद हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ में जुलूस में पहुंचकर के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नामांकन पर्चा भरा है। इससे पहले रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, राज्यसभा सदस्य नारायण पंचारिया, रामनारायण डूडी, भाजपा उपाध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, सुरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास, फलौदी विधायक पब्बाराम विश्नोई सहित हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाने का मानस बना लिया है। यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ रहे हैं या फिर से यहां पर फिर से कमल खिलेगा और मोदी जी को पीएम बनाने में सहयोग करेंगे। आज दूसरा चरण, पहला पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में नामित करना और दूसरा आज नामांकन, ये पूरा हुआ है। लेकिन जिस उत्साह के साथ में, जिस जोश के साथ में, जिस जुनून के साथ में आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से जो कार्यकर्ताओं का हुजूम आया था, ये स्पष्ट संकेत है कि कार्यकर्ता अति उत्साही है और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि कार्यकर्ताओं की ताकत पर, दम पर चुनाव लड़ने वाली, काम करने वाली पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जनता ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो मानस बनाया है, निश्चित रूप से कमल खिलेगा, देश में खिलेगा, प्रदेश में खिलेगा और एक चमकदार कमल जोधपुर में भी खिलेगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।